नमस्कार, बॉर्डरलाइन वेब न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नितिन श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे लालू प्रसाद यादव की एक नई जेल यात्रा की। सीबीआई की विशेष अदालत ने आज रांची में लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के एक मामले में दोषी करार दिया है, जिसपे पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और लालू प्रसाद यादव समेत कुल 38 लोग आरोपी थे। आज कोर्ट में कुल 22 लोग पेश हुए थे, जिसमें से 6 लोगों को कोर्ट ने बाइज़त बरी कर दिया, जिसमें जगन्नाथ मिश्र समेत 6 लोग थे और शेष 16 लोग, जिसमें लालू प्रसाद यादव और तमाम लोग थे, उनको दोषी करार दिया गया है। अब इन दोषियों को 3 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी और लालू प्रसाद यादव को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और उनको बेऊर जेल भेज दिया गया है। यानी लालू प्रसाद यादव अब अपना 9 वर्ष जेल में मनाएंगे। इस पूरी कहानी को अगर हम देखें तो लालू प्रसाद यादव ने जब अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो 1996 में ये पूरा मामला सामने आया। तत्कालीन देवघर के तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर ने इस मामले को उठाया और तब न सिर्फ देवघर बल्कि तमाम जो संयुक्त बिहार था उसके तमाम जिलों में जो ट्रेजरी थी वहां पर अवैध निकासी की गई थी चारा के नाम पर, और पशुओं को आहार देने और उनको दवाइयां देने के नाम पे तमाम पैसे निकाले गए थे, इनके बिल भी लगाए गए थे। लेकिन इसमें जब जांच की गई तो पाया गया कि ये बिल फर्जी बने थे और इस पे किसी भी तरह की सप्लाई नहीं हुई थी। पहली बार लालू प्रसाद यादव 1997 में जेल गए, इनको 137 दिन रखा गया था जेल में, तब ये मुख्यमंत्री थे। जेल जाने से पहले इन्होंने इस्तीफा दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। इस तरह से तमाम अलग अलग समय पे ये अलग अलग मामलों में जो चारा घोटाले से जुड़े थे जेल जाते रहे। लालू प्रसाद यादव ने जेल जाने से पहले तमाम अपने बचाव की कोशिशें की थी और उन्होंने तमाम बयानबाजी भी की थी। इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार से हटाकर उन्होंने राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश की। सजा सुनाए जाने से पहले लालू प्रसाद यादव ने कहा था, पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एक ही मुर्गे को आप कितनी बार हलाल करेंगे। और उसके बाद उन्होंने जब इनको सजा सुना दी गई थी तब उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी जुमलेबाजी और बेशर्मी से ये जो पूरे राजनीतिक कदम उठा रही है और एक लालू प्रसाद यादव अगर जेल चला जाएगा तो 1,00,000 लालू प्रसाद यादव पैदा होंगे। उन्होंने पूरी मजमेबाजी की तैयारी की थी। उन्होंने जहां पर उनको सीबीआई कोर्ट के बाहर तमाम उनके समर्थक इकट्ठा थे, हालांकि लालू प्रसाद यादव ने उनको समझाया था कि इस पूरे मामले पर संयम बरते, अगर उनको सजा होती भी है उनके जो दो बेटे हैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव वो आरजेडी को संभालेंगे। इस पूरे मुहिम में जो उन्होंने मोर्चेबंदी की थी उसमें उनका एकमात्र लक्ष्य जो पूरी इस आज के जो प्रकरण था उसमें उन्होंने भाजपा पर पूरे ढंग से आक्रमण किया है और उन्होंने इस पूरे मसले को चाहे उनके खुद लालू प्रसाद यादव रहे हों या आरजेडी की प्रवक्ता रहे हों, सब ने इस मामले में तीर जो है वो भाजपा मुख्यालय की तरफ मोड़ने की कोशिश की है। हालांकि भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने भी इस मामले में अपने आप को पाक साफ साबित करने की कोशिश करी है और तमाम जो मामले आए हैं जो तमाम पहले की जो सजाएं हुई हैं उसमें उनको बताया गया है कि जिस वक्त ये मामला हुआ था वो खुद मुख्यमंत्री थे और उसके अलावा केंद्र में उनके सहयोगी के कांग्रेस की सरकार थी। तो ये राजनीतिक जुमलेबाजी और बयानबाजी का दौर जो आज चला है इसका पटाक्षेप अब 3 जनवरी को होगा। 2 धाराओं के तहत लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है, उसमें उन्हें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की भी सजा हो सकती है। अब देखना यह होगा कि 3 जनवरी को ये पूरा प्रकरण का पटाक्षेप किस तरह से होता है। बॉर्डरलाइन के लिए नितिन श्रीवास्तव।